गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम क्लास फिफ्थ सिल्वर जोन ओलंपियाड का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन नंबर्स। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनटू बी इनटू सी इनटू डी। ठीक है, और मैंने डिजिट यहाँ उतार लिया है, ये क्वेश्चन उतार लिया 6 4 5 0 4 5 6 0 4 5 D2, उसके बाद है प्लस 5 4 5 B 6 0 5 6 0 4 और 1 1 9 0 1 2 1 C 1 4 6, इनको हम प्लस करेंगे। और इसमें इन्होंने नीचे आंसर भी दे रखा है, और सॉरी बच्चों, ये आंसर है, ये 1 1 9 0, ये आंसर है हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। देखिए 2 और 4 6, ये तो बात ठीक है। अब 0 में क्या प्लस करूँ कि 4 हो जाए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A B C D। 0 में मैं 4 ही प्लस करूंगा, तो यानी कि D इज इक्वल टू 4। ठीक है, 5 4 6 11, कैरी क्या होगा 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 की 0, C मतलब 0, 1 कैरी, 6 और 6 12, कैरी 1, 5 और 1 6 6, 6 से मैं क्या ऐड करूँ कि 1 आए, अगला 11 आएगा, 6 और 5 11 11 11 का 1 लिख दिया, और 1 कैरी, 4 और 5 10, कैरी 1, 4 और 1 5 5, मैं क्या ऐड करूँ, 9 आ जाए 4, 4 और 1 5 5 और 4 9, और 6 और 5 11। ठीक है, अब इसने कहा ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और जिसमें 0 आ जाए, कभी भी किसी भी पूरी सीरीज में जो मल्टीप्लाई हो रही है उसमें 0 आ जाए, तो आंसर विल बी 0, मल्टीप्लाई इज ऑलवेज 0, मतलब 2 × 5 × 6 × 7 × something 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 × 0, तो आंसर क्या आएगा, 0। अब यहाँ पर हमारे पास हो गया आंसर है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, 4 × 1 × 0 × 4, यहाँ 0 आ गया है, तो आंसर क्या आएगा, 0। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा 0। ठीक है, अभी क्या रहा है, इफ ए ए ए ए ए इज इक्वल टू ये नंबर, तो कितने ए हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कह रहा है 11 बार जब ए आया तो उसका वैल्यू ये है, जो भी नंबर है ये। ठीक है, यानी कि वन टाइम ए निकालने के लिए मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दीजिए 11 से इसको, 2 4 5 6 5 0 9 9 2 2 6 को 11 2 22, बस गया 3, उतार लिया 4, 11 3 33, बस गया 1, उतार लिया 6, 11 1 11, बस गया 5, उतार लिया 5, 11 5 55, उतारा 0, उतारा 9, टेबल नहीं चला, पहले 0 उतारा टेबल नहीं चला, फिर 9 उतारा फिर टेबल नहीं चला तो 0 लगा दी, फिर 9 उतारा, 11 9 99, फिर 2 उतारा टेबल नहीं चला तो 0 लगा दी, 11 2 22। ये हमारे पास सॉल्व करके ये आ गया 2 3 1 5 0 0 9 0 2, और उसने पूछा 3 ए, वैल्यू ऑफ 3 ए किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 ए की। अगर हम इसकी 2 3 1, ये है हमारा 2 3 1 5 0 0 9 0 2 की मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 की वैल्यू हो जाएगी, तो 3 2 6 3 9 27 3 5 5 14, और ये 6 9 4 5, ऑप्शन मिलाओ 6 9 4 5 0, इसमें तो नहीं है, 6 9 4 5 0 2 7 0 6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द नंबर विच इज 60,000 मोर देन, जब भी मोर देन आएगा, मोर देन पूरा इकट्ठा आएगा, प्लस सम ऑफ द नंबर ये एंड ये, और उसे भी 6 लाख मोर देन, तो पहले आप ये नंबर ही तोड़ लो, 6 7 4 5 4 5 6 4 6, चैप्टर आसान है, कैलकुलेशन है बस, 2 0 4 4 2 1 2, और उससे भी कितना 6 आगे कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 5 0,
1, 2, 3, 4, 5 उससे इतना मोड़ देने, इनको प्लस कर लो। 6 और 2 8, 4 का 44, 6 और 4 10, कैरी 1, 5 और 1 6 और 4 10, कैरी 1, 4 और 1 5, 4 2 7 और 6 13, कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7, 4 और 2 6, 6 7 6 7 3 00 48, 6 7। फाइंड द नंबर विच इज इतना मोर देन दैट 6 7 4 5 4 5। ओहो ये देखो यहाँ पे ना 60,000 कर देगा ना, 50 है, 1 2 3 4 5, ठीक है यहाँ 50 है बच्चों। अब इसको टोटल को मिटा देता हूँ ना, अब देखो 6 और 2 8, 4 का 44, 6 और 4 10, कैरी 1, 5 और 1 9 10, कैरी 1, 4 और 1 5 और 2 7, कोई कैरी नहीं है, 5 और 1 6 और 6 12, कैरी 1, 4 और 1 5 और 2 7 और 67, 6 77 2 70 0 48, ए ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन अगर नहीं मैच हो तो आप इस तरह से एक बार रीचेक कर लेंगे, कहीं पढ़ने में गलती तो नहीं हुई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर विच इज 6 4 4 5 6 5 6 लेस देन। वैसे हम इसको मिलियन में पढ़ सकते थे पर उसके लिए कॉमा लगाने पड़ेंगे, 64,45,656 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ 7987 एंड 9877, इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट ही निकालें पहले, 7987 एंड 9877, इनके प्रोडक्ट से जो इतना कम है, लेस देन है तो लेस देन है तो क्या होगा, माइनस होगा, मोर देन है प्लस हुआ था। 7 7 49 49, तो 4 कैरी, ठीक। 7 8 56 56 और 4 60, 6 कैरी, 7 9 63 63 और 6 69, 6 कैरी, 7 7 49 49 और 6 55, क्रॉस लगा दिया, सेम नंबर आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई होगी तो 90955, दो बार 8 से मल्टीप्लाई, 8 7 56, कैरी 5, 8 8 64 569, कैरी 6, 8 9 72 72 और 6 78, कैरी 7, 8 7 56 56 और 7 63, ठीक है। इस बार 3 times क्रॉस, दूसरी लाइन में 1 क्रॉस, तीसरी लाइन में 2 क्रॉस, नेक्स्ट लाइन में 4 क्रॉस और सेकंड लाइन में इस तरह बढ़ते चले आएंगे। 9 7 63, कैरी 6, 9 8 72 72 और 6 78, कैरी 7, 9 9 81 81 और 7 88, कैरी 8, 9 7 63 और 8 71। अब हम इनको प्लस कर लेंगे तो 9 9 9 और 7 50 9 और 6 15, कैरी 1, 5 और 1 6 6 और 9 15 15 और 9 24 24 और 3 27, कैरी 2, 2 और 5 7 7 और 5 12 12 8 20 28, कैरी 2, 2 और 5 7 7 और 3 10 10 और 8 18, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 7 आ गया। ठीक, ये हमारा इनका आ गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए, अब इसने कहा कि जो नंबर इससे इतना कम हो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 5 6 5 4 4 6 6 4 4 5 6 5 6, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 9 में 6 गया 3 9 में 5 गया 4, 15 में 6 गया 9, 6 में 5 गया 1, 8 में 4 गया 4, 8 में 4 गया 4 और ये
7244 1943 ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, बस कैलकुलेशन है। अब देखिए, इन अ गोडाउन देर आर 4562 राइस बैग एंड 3085 वीट बैग। मतलब अगर हम बात करें, इसमें गोडाउन दो चीजें हैं, एक राइस और एक वीट। राइस बैग कितने हैं? 4562 और वीट कितना है? 385। ईच राइस बैग्स कंटेन 25 केजी ऑफ राइस। इसमें 25 केजी राइस है एंड ईच वेट बैग्स कंटेन 30 केजी ऑफ वीट। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, दोनों ग्रेन्स हैं तो कितना ग्रेन है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ जाएगा बच्चों, वो आएगा, चलिए देखते हैं कितना आएगा। 25 50 carry 5 25 6 150 50 150 और 5 155। ठीक है, 5 उतार लिया, कैरी हो गया 15। 25 5 125 125 plus 15 140 140 0 उतारा, कैरी 14। 25 4 100 100 और 14 114। और यहाँ देखिए 30 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 0 लगा दो बस। 3 5 15 3 24 24 और 125 3 9। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 5 5 2 9 0 5 4 5 10 और ये 2 0 6 6 0 सी ऑप्शन। ठीक, ग्रेन निकालना है, ग्रेन, ग्रेन मतलब राइस प्लस वीट बोथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 51864 सच दैट द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23। ये हमारा लास्ट चैप्टर वाले क्वेश्चन आ गया जो हमने डिस्कस भी किया था, कह रहा 23 से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 51864 आ जाए। ठीक है, 23 से क्या डिवाइड कर और सब्ट्रैक्ट करूं, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 23 से टेबल चलाओ, 23 2 46 बच गया 5, उतार लिया 8। 23 2 46 बच गया 12, उतार लिया 6। और 23 5 115 टेबल याद होनी चाहिए आपको। 23 4 92 बच गया 22। तो 22 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपका आंसर है। जब भी सब्ट्रैक्शन होगा बच्चों तो ये आंसर होगा, और एडिशन होगा, एडिशन पूछेगा तो इस में से ये आंसर आपको माइनस कर देना, तब वो उतना ऐड होगा। अगर कहे कि कितना सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट पूछे तो डायरेक्ट यही 22 ये आंसर है, और पूछे कितना ऐड करना है तो ऐड में 23 में से 22 माइनस कर देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर, ये तो हो गया ना 22 का आंसर हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 695 एंड 52AA72A इज दिस इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2023565A। इसकी अगर हम ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, इसने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 2 × 3 करूं, सॉरी 2 × कोई नंबर करूं और 6 आ जाए, तो नंबर कैसे पता चलेगा आपको, सर 2 3 या 6 कैसे? 6 से हमने 2 डिवाइड किया, बेसिकली हमने 6 से क्या कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 3 या 6 आ गया, तो ऐसे ही वो कह रहा है 695 की कोई नंबर है जो 52AA, हमें तो पता नहीं 7 2 8 मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ रहा है 3 6 4 5 0 8 3 1 8 0, ये नंबर आ रहा है। अब हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, है ना, तो हमने कहा तो क्या हो गया, डिवाइड कर लेते हैं, यही होगा, और तरीका क्या होगा, इसको हम क्या कर लेते हैं,
डिवाइड कर लेते हैं। तो चलिए लेट्स डिवाइड इसको 695 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को 36450831800। सर इतने बार डिवाइड था हमें नहीं आता, लेकिन हमने कहा पूरा करना भी कहाँ है, हमने कहा हमें चीज तो पता ही है कि 5 2 a a 7 2 a, हमने कहा ये तो बात तय है कि पहले वाला 5 बार चलेगा, तो 695 को 5 पे चलाओ। इसको चलाने का तरीका क्या है बच्चों, 700 को 5 पे चला लो, 7 5 35 और 2 जीरो तो ये आई गई, और 5 बार चलाया ना, अब 700 695 से कितना ज्यादा है, 700 695 से कितना ज्यादा है, 5 टाइम ज्यादा है, तो 5 नंबर ज्यादा है ना, तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, और उसमें से 5 माइनस कर दो, 3500 माइनस 25 तो 3475, 5 में से 5 गया 0, 14 में 7 गया 7 और 5 में से 4 गया 1, उतार लिया हमने 0। 695 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि इसने 2 दे रखा है ऑटोमेटिकली, अब 2 से जैसे मैंने मल्टीप्लाई करी तो 700 × 2 = 1400, 5 × 2 = 10, तो 1400 - 10 1390, 0, 10 में से 9 गया 1, 6 में 3 गया 3, उतार लिया मैंने 8। अब अगर इसको 700 चला दे तो 4 बार चलेगा, 4 है ना, 700 × 4 = 2800, और वो उससे 20 कम, 5 × 4 = 20 तो 2780, ये a माने 4 आ गया, a माने क्या आ गया, 4 आ गया। अब जहां पे भी a होगा उसका मतलब क्या होगा, 4 होगा। अब इसने क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, हमें a निकालना था बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2023565 मल्टीप्लाई बाई a, a मतलब 4, तो चलिए कर लेते हैं, 4 5 = 20 कैरी 2, 4 6 = 24 26, 4 5 = 20 22 कैरी 2, 4 3 = 12 2 14 कैरी 1, 4 2 = 8 1 9, 4 0 0 4 2 = 8, तो 8 0 9 4 2 6 0 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 5,50,438 इज डिवाइडेड बाय 12, रिमाइंडर क्या आएगा, तो कर लेते हैं रिमाइंडर निकालने में कौन सा कुछ जा रहा है, डिवाइड ही करना है बस, तो 12 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 5 0 4 3 8। अब 12 का अगर हम टेबल पढ़े, 12 4 = 48, बच गया 7, उतार लिया 0। अब 12 5 = 60, बच गया 10, उतार लिया ये वाला 4। अब 12 8 = 96, बच गया 8, उतार लिया 3। 12 6 = 72, बच गया 1, उतार लिया 8। 12 1 = 12 और इन दोनों का कैरी बच गया 6, ठीक है। अब 6 का ऑप्शन नहीं है, तो एक बार हमें अपनी हमेशा जब भी अगर आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में ना हो आपको चेक जरूर करना है, क्योंकि ओडोमपेड में बहुत ही रेयर ऐसा केस होता है कि आपको आपका ऑप्शन ना मिले, ठीक है। देखिए यहाँ पे गलती हुई, 83 में से जब 72 मैंने माइनस किया था ना, तो यहाँ पे 11 बचा था और 12 9 = 108, यहाँ देखिए यहाँ पे गलती है ना मैंने, तो 108 में से जब 18 से 8 किया तो 10 बचेगा रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचेगा 10, तो ऑप्शन इज 10, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इस तरह ध्यान रखना है, कोई भी गलती कर सकता है कैलकुलेशन में, इजी चीजें होती हैं तो हम उतना ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, इन ए गार्डन देयर आर 45,623 फ्लावर्स प्लांट इन ईच रो एंड देयर आर 2560 रोज इन गार्डन, कह रहा है एक हर रो ऐसे रो है,
इसमें 45,623 है, 45,623 है, 45,623 फ्लावर्स हैं, 45,623 फ्लावर्स हैं, और ऐसी ऐसी ये लाइन है ना, ये 2,560 हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स प्लांट इन द गार्डन। कह रहे बताओ कितने फ्लावर प्लांट्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक लाइन में थ्री फ्लावर होते, थ्री थ्री थ्री, और ऐसी ऐसी फाइव लाइनें होती, तो कितने होते? आप कहते सर 15, तो मैं कैसे कहता कि इस थ्री की जस्टिस फाइव से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 15 आ गया। तो ऐसे ही अगर मैं इस 45,623 की 2,560 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, है ना, यही बात है। तो चलिए, तो अब जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो जीरो आ जाएगा, उसका तो खैर कोई रोल ही नहीं है। अब 6 3 18 कैरी 1, 6 2 12 12 1 13 कैरी 1, 6 6 36 और 1 37 कैरी 3, 6 5 30 30 और 3 33 6 4 24 24 3 27 5 3 15 कैरी 1, कैरी 1 हल्का साइड में लिख दिया मैंने, 5 2 10 10 और 2 11 कैरी 1, 5 6 30 30 और 1 31 कैरी 3, 5 5 25 और 3 28 कैरी 2, 5 4 20 20 और 2 22 2 3 6 2 2 4 2 6 12 2 5 10 और 1 11 2 4 8 और 1 9 अब देखिए 0 8 8 7 1 8 और 6 14 ठीक है, 7 8 6 14 3 1 4 4 1 5 और 4 9 उसके बाद 7 8 15 और 2 17 कैरी 1, 2 1 3 और 2 5 और 1 6 9 2 11 1 1 6 7 9 4 8 0 तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों, अब देखो 10 भी देख लो, 10 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 77875 एंड x, x इज अ नेचुरल नंबर मोर देन 55। कह रहा है x 55 से 7 ज्यादा है, तो x कितना हो गया 62, तो 77875 और मल्टीप्लाई x कह रहा है x इज 7 मोर देन 55, 55 से 7 ज्यादा है x, तो x कितना हो गया 62 हो गया x, तो कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो 62 से, ठीक है तो कर लेते हैं, 2 5 10 कैरी 1, 2 7 14 और 1 15, 2 8 16 और 1 17, 2 7 14 और 1 15, 2 7 14 और 1 15, 6 5 30 कैरी 3, 6 7 42 और 3 45 कैरी 4, 6 8 48 और 4 48 और 4 52 कैरी 5, 6 7 42 और 5 47 इनको मैंने प्लस कर दिया, 0 5 2 1 5 4 1 6 और 2 8 और 15 7 62 ठीक है। अब देखो फिर से ऑप्शन हमारा मैच नहीं हुआ, तो इसका मतलब है हमने फिर से कुछ गलती कर दी कैलकुलेशन में, 2 5 10 2 7 14 और 1 15, 2 8 16 और 1 17, 2 7 14 15 2 7 14 15 6 5 30 carry 3 6 7 42 or 3 45 45 carry 4 6 8 48 or 4 52
कैरी 5, 6 7 जा 42, 47 कैरी 4, 6 7 जा 46 और 4, 46 ये देखिए यहाँ गलती कर दी ना, 46 आएगा ठीक है। अब 5 4 2 7 1 8, 5 4 7 12 कैरी 1, 1 और 1 2 और 6 8 और ये 4, 4 8 2 8 2 5 0, 4 8 2 8 2 5 0 ऑप्शन डी ठीक है। बच्चों कैलकुलेशन देखिए, मल्टीप्लाई आपको भी आता है मुझे भी आता है, मल्टीप्लाई छोटे छोटे बच्चे को आता है, बट द पॉइंट इज कि कितना ध्यान से आप लोग कर रहे हैं, सही है, इसलिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और यही कारण है मैं एक एक क्वेश्चन खुद कर करके दिखा रहा हूँ मैं ये, ताकि आपको जो एग्जाम में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी उनको सॉल्व कैसे करना है। हो सकता है आपको भी आंसर ना मैच करे, आप नन ऑफ दीज लगा दो, नन ऑफ दीज हमें फर्स्ट टाइम में नहीं लगाना है, नन ऑफ दीज ओलंपियाड की बुक में बहुत ही रेयर चांस होते हैं, जो होता है 1%, 1% भी चांस नहीं होते कि जो नन ऑफ दीज मिलता है ठीक है जी। चलिए वो कह रहा है कि ए इतना, बी इतना, सी इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए प्लस टू। हमें निकालना है पहले बी में से ए माइनस करना है, उसको फिर टू से डिवाइड करना है और जो आंसर आए उसमें सी ऐड करना है। इसका मतलब यह है कि बी माइनस ए करो पहले, फिर उसको टू से डिवाइड करो, फिर जो आंसर आए उसमें सी ऐड करो। ऐसा नहीं करना कि बी माइनस ए करके उसमें सी ऐड कर दो फिर टू, पहले बी में से ए माइनस करना है फिर टू से डिवाइड करना है फिर सी लिखना है। तो पहले बी नंबर लिख लो, 5 9 8 6 6 8 9 8 5 5 4 बी है ये। अब ए कितना है इसको राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, 6 5 6 5 6 5 6 8 9 6 8 9 3 2 3 2 ठीक है, 2 3 9 अब इसको सीधा पढ़े, 2 3 9 8 6 5 6 5 6 ठीक है। अब इसको b माइनस ए कर दिया हमने, 14 में 6 या 8 कैरी गया वो इधर से, 14 में से 5 गया 9, 14 में 6 गया 8, 7 में से 5 गया 2 और उसके बाद 9 में 6 गया 3, 8 में से 8 गया 0, 16 में से 9 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 2 गया 6 और 59 ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास ये आ गया है b माइनस ए आ गया, अब हमें क्या करना है b माइनस ए, हमें करना है b माइनस ए डिवाइड बाई टू, इसको हम टू से डिवाइड कर दें, तो इसको टू से डिवाइड कर लेना, टू से डिवाइड करना तो सबसे आसान ही है, तो इसको 2 2 4 2 9 18 2 8 16 2 1 2 2 3 6 2 5 10 2 1 2 और 6 और ये 49 ये डिवाइड करके आंसर आ गया। तो ये आंसर आ गया b माइनस ए डिवाइड बाई टू, और इसे c प्लस करना है, c प्लस ये नंबर करना है, तो इस नंबर को अब हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, 3 2 2 2 3 6 6 5 4 5 ठीक है। इस नंबर को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो चलिए प्लस करना शुरू करते हैं, 9 और 3 12 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7, 4 और 2 6 6 और 2 8 और 1 और 3 4, 5 और 6 11, 6 और 3 9, 5 और 1 6, 4 और 8 12 35, 3 5 5 4 6 11 sorry 3 और 1 4 और 6 10 10 का 1 5 और 1 6 और 1 7 हाँ 3 5 2 7 0 1 4 8 6 7 2 ओके ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया, 3 5 2 7 0 1 4 8 6 7 2 ऑप्शन देखें, ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, वाला सी है ये वाला ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्या कह रहा है 12 में,
मार्टिन इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2009 वाज 4,56,986. नेक्स्ट ईयर इज इनकम इंक्रीज बाय 25,463. ये इंक्रीज हो गई, 25,463 इंक्रीज हो गई, लेकिन ये तो रही होगी ना, ये तो नेक्स्ट ईयर भी रही होगी। देखो 2009 में कितनी थी, 4,56,986, 2010 में उसकी इंक्रीज हो गई, कितनी, इतनी तो थी ही, और साथ में इसमें 25,463 इंक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो गई है, ये 2010 वाली हो गई, यानी कि 2010 में इसकी जो इनकम हो गई है वो हो गई है 4,56,986 और प्लस 25,463, तो यानी कि अगर हम इनको टोटल कर दें तो 4,82,449, ये इसकी 2010 की इनकम हो गई। हाउ मच डिड ही अर्न इन दीज टू ईयर्स, अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए 2009 और 2010 को, ठीक है, तो इनको प्लस करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 9,39,435। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक्स इज अ नंबर विच इज 4,65,335 मोर देन द सम ऑफ इस नंबर का और इस नंबर का, तेरा इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं और उसमें इतना जोड़ दूं तो वो एक्स है, तो मतलब मोर देन है, तो मोर देन माने प्लस है और सम माने तो प्लस है ही, कह रहा इन दोनों का सम प्लस ये, तो अगर ये जो नंबर है बच्चे तो नंबर ही बड़े लेंथी लेंथी है, 4,9,8,6,2,5,4,5,4 और इधर 6,5,6,4,5,2,6,9,4,2, ठीक है, और इधर से हमने किसमें ये प्लस कर दिया 5,3,3,5,6,4 इनको हमने प्लस कर दिया, तो देखिए 6 और 4 10 और 5 15 कैरी 1, 5 और 5 10 और 4 14 कैरी 1, 6 और 4 10 और 11 और 3 14 कैरी फिर से 1, 5 और 1 6 और 4 10 और 5 15 कैरी फिर से 1, 2 और 1 3 और 5 8, 8 और 6 14 कैरी 1, 6 और 1 7 और 2 9, 9 और 4 13 कैरी 1, 8 और 1 9 और 6 15 कैरी 1, 9 और 1 10 और 9 19 कैरी 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 2 2 9 9 5 3 4 5 4 4 5, ठीक है, एंड y इज अ नंबर विच इज लेस देन, लेस माने माइनस होगा 9, सम ऑफ ये नंबर एंड ये नंबर, इन दोनों का जो सम होगा उसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है, तो y कितना है, ये x आ गया हमारा ऊपर वाला, तो y है हमारा 5,6,4,6,5,6,5,3,2 और दूसरा नंबर क्या है 5,2,3,5,6,4,5,0,9 इनका हमने प्लस कर दिया 5 और 2 7 3 और 2 5 5 और 3 8 6 और 5 11 5 और 6 11 और 1 12 6 और 5 11 कैरी 1, 5 और 4 9 और 1 10 6 और 1 7 5 और 9 14 ये इन दोनों का सम आ गया और y इससे 1,65,465 कम है, ये y आ जाएगा, ठीक है, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 15 में 6 गया 9, यहां बच गया 7, 7 में से 4 गया 3, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 5 गया 6, 11 में 6 गया 5, 10 में से बन गया 9, यहाँ 9 जुगा तो यहाँ 6, 1, 4, ये वाई आ गया हमारा, तो अब हम
इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कि 29953। अब इसमें से इसको माइनस कर देना बच्चों, ठीक है। ये जो हमारा ये आया 29953454445 माइनस 14699956392, ठीक है। तो इनको माइनस कर दीजिए, आपको पता है बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप ऐसे माइनस कर सकते हो। देखो यहां से देखते रहो, 5 में से 2 गया 3, 4, 4 में से 9, 4 में से 9 नहीं जाता 14, 14 में से 9 गया 5, 3, 3 में से 3 गया 0, यहां देखिए 5, 5 में 6 नहीं जाता 15, 15 में 6 गया 9, 3 बच गया होगा यहां 3, 3 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया 8, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 2 बचा होगा 2, यानी 12, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। यहाँ बच गया होगा 4, 14 में से 9 गया 5, वहां बच गया होगा हमारा 8, 8 में 6 गया 2, और 9 में से 5 गया 4, और 2 में से बन गया 1, तो 15253890531 15253890531 ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सम ऑफ ए एंड कह रहा है ए और मैं ए में ये जो नंबर है 9523502258 अगर मैं प्लस कर दूं इज, इन दोनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 5496 5689 लेस देन, लेस देन माइनस ऑफ सम ऑफ इसका और इसका। मतलब अगर मैं 3468 656032 प्लस 2549526 80 इन दोनों का सम करूं, किस इसका 3468 656032 और इसमें कितने डिजिट है, 2 4 6 8 10 और इसमें हम करें 2254952680 इन दोनों का मैं सम कर दूं तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 3723608712। और क्या इसमें से जो ये लेस करना है 5496569 इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं 5496569 ये अगर माइनस कर दूं तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो आ जाएगी 3668643023। तो जो ये हमारे पास आया ये क्या आया, एक और इस नंबर का सम आ गया हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास इस नंबर का सम आ गया 3203468663 है ना। अब देखिए किसी नंबर में मैंने 2 ऐड किया और 5 आया तो वो नंबर क्या होगा, तो 5 में से मैं 2 माइनस कर दूं, 5 में से 2 माइनस कर दूं 3 आ जाएगा। ऐसे वो कह रहा है ए में मैं क्या ऐड करूं कि ये नंबर आ जाए, तो यानी कि इस बड़े नंबर में से मैं ये नंबर माइनस कर दूं, यानी कि मुझे करना है इस 3668643020 में से मुझे नंबर माइनस कर देना है 8520532259 ये माइनस कर देना है, सही है। अगर मैं 9523502258 से माइनस कर दूं तो जो मेरे पास आंसर आया 27162927 ये मेरा आंसर हो जाएगा। डिजिट्स बड़ी हैं, नंबर वही है। अब अगर आप सोच के देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, फाइंड द सम ऑफ ए प्लस टू इज 3 लेस देन, मान के चलिए 3 लेस देन सम ऑफ 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 का सम कितना होता है 9, 9 से 3 कम है तो 9 से 3 कम कितना होता है 6,
और ए में टू ऐड करके सिक्स आता है, तो यानी कि आप सिक्स में टू माइनस कर देते तो ए इज इक्वल टू फोर आ जाता। बट अगर इतना छोटा होता तो, लेकिन इतना छोटा नंबर नहीं है, नंबर बड़े हैं इसलिए आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट कुछ नहीं है, नंबर बड़े हैं बस। अब कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स 23 शुड बी एडेड टू इटसेल्फ। जब भी एडेड टू इटसेल्फ आएगा ना, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। हाउ मेनी टाइम्स, और टाइम्स का मतलब तो वैसे ही मल्टीप्लाई है। 23 शुड बी एडेड टू इटसेल्फ, 23 को इसमें कितनी बार ऐड करूं सच दैट इट बिकम्स इक्वल टू द सम ऑफ 1, 4, 5, 6, 2, 1, 3 और 9, 5, 7, 0, 1, 8, 1। तो 3 और 9, 12 कैरी 1, 4 और 2, 7, 7 और 2, 9, 6, 6 और ये 18 और 4, 22, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। कह रहा है ये 23 की टेबल में आना चाहिए, तो 23 की टेबल में कितनी बार पे आएगा 2, 2, ये 6, 6, 9, 7, 2, ठीक है, वो ये पूछ रहा है। तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, तो अगर हमें पता करना है कि कितनी बार पे आएगा तो डिवाइड कर देते हैं 2, 2, 6, 6, 9, 7, 2। अब आप कहोगे सर ये तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो बच्चों हमें अगर यही पता करना है कितनी बार आएगा तो डिवाइड तो करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा। आंसर चेक करने के लिए आप ऐसा समझिए कि मैंने कहा कि 18 टू के टेबल में कितनी बार आता है, तो 2, 9, 18 है तो आपको 2 का टेबल याद हो, या आप 18 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब देखिए 226 है, तो आप 9 बार चलाइए, 23, 9, 207, बच गया 19, उतार लिया 6। अब यहाँ 8 बार चलाइए, 184, बच गया 2, 12, यहाँ उतार लिया 9। अब आप चलाइए 5 बार, 115, 115, बच गया 14, उतार लिया 7। 6 बार चलाइए, 138, 8, ठीक है, बच गया 9, उतार लिया 2 और 4 टाइम चलाइए 92, 23, 4, 92, तो हमारे पास आ गया 98,564, 98,564, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 540 एंड 785421 इफ एक्स इज इक्वल टू 45। एक्स का मतलब क्या है, 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब कह रहा है 45 इंटू वाई इज इक्वल टू 540 इंटू 784521। कह रहा है कि अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो 45 से मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए। तो देखिए वो ये कह रहा है कि 45 और वाई की मल्टीप्लाई से 540 मल्टीप्लाई बाई 784521 करके आंसर आएगा। अब देखिए हम मान के चलिए हमने इनको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक आंसर है, ऐसे मान लीजिए, मान लिया हमारे पास कोई भी एक नंबर आ गया जो भी सॉल्व करके आ गया होगा इसको। अब 45 में मल्टी किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ रहा है, 45 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ रहा है। आप ऐसे समझिए 2 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, मुझे वो नंबर निकालने के लिए 6 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि मुझे 540 की जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है इन नंबरों को मुझे 45 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इन नंबरों को 45 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 9, 5 जा 45, 9, 6 जा 54, 0 और ये 5, ये 12 टाइम कट गया, तो हमारे पास ऊपर बचा है 12 मल्टीप्लाई बाई 7, 8, 4, 4, 5, 2, 1। अब देखिए 12 के टेबल चाहिए, 12 1 जा 12 कैरी 1, 12 2 जा 24, 24 1 25 कैरी 2, 12 5 जा 60, 62, 12 5 जा 48, 48 और 6 54 कैरी 5, 12 8 जा 96 और 5 101 कैरी 10, 12 7 जा 84 और 10 94,
तो 941-4252 ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 कैलकुलेशन बच्चों कैलकुलेशन द पॉइंट इज कैलकुलेशन दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ऑन कैलकुलेशन। नेक्स्ट देखिए इसका नाम भी ए ऑपरेशन और नंबर्स है ठीक है। व्हेन 3,61,86,475 इज डिवाइडेड बाय वाई इट गिव्स द क्वोशेंट जेड जेड इज इक्वल टू द सम ऑफ 35 एंड 30 जेड कितना है सम ऑफ 35 एंड 30 जेड है 65। वो कह रहा है व्हेन 3,61,86,475 इज डिवाइडेड बाय वाई जब इस नंबर को वाई से डिवाइड किया इट गिव्स क्वोशेंट जेड इस नंबर को y से डिवाइड किया 3,61,86,475 को जब मैंने y से डिवाइड किया इट गिव्स क्वेश्चन z और z मतलब क्या है 65। फाइंड द वैल्यू ऑफ y y की वैल्यू बतानी है बहुत ही इजी है बच्चों। अब अगर आप इसी नंबर को इस नंबर को 65 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास y निकल कर आ जाएगा ठीक है। अब हमें करना क्या है ये रिवर्स ऑर्डर में होते हैं ठीक है। अगर हम इस नंबर को 65 से डिवाइड कर देते हैं 65 से डिवाइड करेंगे 3,61,86,475 को 65 से डिवाइड करेंगे तो अब देखिए जैसे 60 और 5 है इसको 60 और 5 पढ़िए तो 65 = 325 बच गया 36 उतार लिया 8 फिर दोबारा 5 पे चला दीजिए 325 8 में से गया 3 और 6 में 43 उतार लो 6 इस बार 6 टाइम चला लो और 396 नहीं 5 6 30 और 6 6 390 390 तो 6 और 43 46 उतार लो 4 इस बार 7 चला लो 6 7 420 और 300 455 बच गया 9 बच गया 9 उतार लो 7 फिर 1 टाइम चला लो 65 बच गया 32 उतार लो 5 और ये 5 325 556715 तो हमने आज क्या सीखा हमने ये सीखा अगर क्वोशेंट हमें पता हो और डिविडेंड पता हो तो डिविडेंड को क्वोशेंट से डिवाइड कर देने पे हमारे पास डिविजर आ जाता है ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 अ ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 440 किलोमीटर इन 5 आवर्स तो बच्चों वो कह रहा है कि 440 किलोमीटर वो 5 आवर्स में जा रही है मतलब 440 किलोमीटर अगर वो 5 आवर्स में जा रही है तो 1 आवर में कितना जा रही है वो 1 आवर में जा रही है 88 किलोमीटर मैंने डिवाइड कर दिया इसको। द ट्रेन टेक्स 12 आवर्स टू गो फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी ये ट्रेन 88 किलोमीटर चलती है 1 आवर में। अब कह रहा है वो ए से लेके बी तक यही ट्रेन जाती है 12 आवर्स में 1 आवर में 88 जाती है तो 12 आवर में कितना जाएगी 88 × 12 बहुत ही सवाल है 12 8 96 और 9 105 1056 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए मेक द 6 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर यूजिंग दिस डिजिट ओनली वंस फाइंड देयर डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आईएमओ के हिसाब से बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उन लोगों का ये वाला कि डिजिट का यूज करते हुए ग्रेटेस्ट क्वेश्चन बनाइए डिजिट का यूज करते हुए लीस्ट क्वेश्चन बनाइए तो कैसे करना है देखिए हमारे पास बच्चों डिजिट है ये वाली डिजिट है एक सेकेंड इसको डिलीट कर दें चलिए कोई बात नहीं हमारे पास डिजिट है 859023 तो जब भी ग्रेटेस्ट कहेगा ना तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दो कुछ नहीं करना ग्रेटेस्ट में तो 985320 जब लीस्ट में कहेगा तो लीस्ट में करना क्या होता है हमें असेंडिंग से शुरू करना होता है असेंडिंग में
बट तो चलिए पहले मैं आपको ऐसे देता हूँ, 0, 2, 3, 5, 8, 9 लिस्ट में ये करना होता है बच्चों। लेकिन अगर लिस्ट में फर्स्ट नंबर 0 हो जाए, क्योंकि देखो 0 होने की वजह से इसकी तो वैल्यू खत्म हो गई, तो ये सिर्फ 5 डिजिट का नंबर बचा। तो लिस्ट में हम करते क्या है, हम इन दोनों इन फर्स्ट टू पोजिशन को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये नंबर हो जाएगा हमारा 2, 0 अगर फर्स्ट डिजिट 0 हो तो। ठीक है, ये जो नेक्स्ट नंबर उसको फर्स्ट में ले जाते हैं, बस जो भी नेक्स्ट नंबर होगा, जो भी मतलब नेक्स्ट नंबर होगा, जैसे 2 है, इस 2 को फर्स्ट में ले जाओ। ठीक, ऐसा आपको करना है। तो ये 2 शुरू में आ जाएगा, तो 2, 0, 3, 5, 8, 9 ये हो गया, ये लिस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट था वो, तो इसकी तो वैल्यू, ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब लिस्ट और ग्रेटेस्ट, वो क्वेश्चन में तो जनरली इतना पूछता है, लेकिन उसने कहा फाइंड देयर डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस बताओ ग्रेटेस्ट और लिस्ट का। तो 10 में से 9 गया 1, यहां से बच गया होगा 1, 1 में से 8 तो आता नहीं 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 2 बच गया होगा 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ 4 बच गया होगा 4 में से 3 गया 1, और यहाँ 8 और 9 में से 2 गया 7, तो 7, 8, 1, 7, 3, 1, 7, 8, 1, 7, 3, 1। ठीक है, ये आपको इस तरह से कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड, ये देखिए एडेड वाला आ गया। मैंने आपको बताया था कि अगर वो कहे कि शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अगर जब भी सब्ट्रैक्टेड कहेगा, लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड कहेगा, तो जब भी सब्ट्रैक्टेड कहेगा तो रिमाइंडर आपका आंसर होगा, और जब भी कहेगा एडेड तो डिवाइजर, जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसमें से हम रिमाइंडर माइनस करेंगे, वो आपका आंसर होगा। तो ये एडिट कर रहा है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडिट, ये मैंने आपको बताया था। इस नंबर में हम क्या ऐड करें कि ये नंबर 51 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो 51 से इस नंबर को जो जो कि है 2979443, इसको आप कैसे डिवाइड करें। देखिए 51 ना मान के आप इसको 50 मान के चलो, ताकि आपको कैलकुलेशन में आपको ये इजी रहेगा कि हमें कौन सा टेबल चलाना है। तो 55 से 250, तो यहाँ 5 बार चलाइए, तो 255, 42 आ गया, उतार लिया 9, अब यहाँ 8 बार चला दीजिए, 408, 21 आ गया, 4 और उतार लो, 4 का टेबल चला दो, 204, बच गया 10, 4 ये उतार लो, 2, 0, तो 0 लगाया, 3, अब 4 तो होता हमारा वो 204, अब हम उतारेंगे 3, तो 153 बच गया हमारा 50। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है 50, और ऐड करना है तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, तो 51 माइनस 50 तो 1। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट आ गया, देखो सब्ट्रैक्ट 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 वाले में सीधा रिमाइंडर हमारा आंसर होगा, कुछ नहीं करना सब्ट्रैक्ट वाले में, तो सिर्फ रिमाइंडर ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सच दैट द फ्रॉम 2076044 सच दैट द डिफरेंस बिकम डिविजिबल बाई 38, तो 2076044 को अगर मैं 38 से डिवाइड करूं तो वो नंबर क्या होगा कि जो हमारा ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहां पर 38 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, 38 5 190, तो 38 4 40 4 160, और 40 से 38 कम है 2, तो 2 4 8, तो 160 में से अगर 8 चला जाएगा तो 152, तो यहां बच गया 4 और यहां बच गया 2, उतार लिया 0, 38 6 46 होता है हमारा 240, और से 12 कम है, 2 6 12, तो 228 बच गया, 12 उतार लिया 4, अब 38 3 43 120, और हो जाएगा 114, बच गया 10 उतार लिया 4, 38 2 76 चला दीजिए,
24 और 4, 28। तो अब आपको क्या माइनस करना है बताइए। 28 अगर माइनस करने को कहेगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, और ऐड करने को कहता तो 38 माइनस 28। अगर क्या नंबर ऐड करने का था तो 38 माइनस 28। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, वन नंबर इज इतना, फाइंड द अदर नंबर। क्या दो नंबरों की मल्टीप्लाई करके, मान के चलिए 76 के किसी नंबर में मल्टीप्लाई करी तो ये नंबर आ गया 181,3056। तो अगर मैं इस 181,3056 को 76 से डिवाइड कर दू, 181,3056 को अगर मैं 76 से डिवाइड कर दू तो दो बार चलाई टेबल, टू बार, तो टू वाला ऑप्शन एक ही है बच्चों, क्योंकि 76 टू 152, टू वाला एक ही ऑप्शन है, सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 181,3056 को जब आप डिवाइड करेंगे 76 से तो यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि टू टू बार ही चल सकता है बस 152। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या कह रहा है, इफ एक्स इज 546,565 मोर देन वाई एंड इतना मोर देन जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। देखो कह रहा है एक्स जो है, गौर से देखिएगा, वो है 466,890 ज्यादा किससे, वाई से, और x ही है 4, y से तो ज्यादा ही इतना, नहीं y से ज्यादा है बच्चों, ये y से इतना ज्यादा है, y से ज्यादा है 546,565, ये ज्यादा है y से, और x ही है जो 466,890 ज्यादा है z से। अब इसने कहा z है 5,789,655 और z इसने दे रखा है 5,789,655। फाइंड करो x प्लस वाई प्लस जेड, हमने कोई बात नहीं, ये z है, अगर मैं इस z को यहां पे रख दूं तो इससे क्या होगा, मुझे y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो x इज इक्वल टू 466,890 प्लस 5,569,875। ठीक है, तो x कितना आ गया, x आ गया 466,890 प्लस z की वैल्यू आ जाएगी ना 5,789,655, तो ये हमारे पास x आ गया 6,256,545, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। अब देखिए x कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 6,256,545, जो आया है 5,465,655 में y प्लस करके, मतलब 2 में कुछ प्लस करके 3 आ गया, तो 3 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर मुझे y निकालना है तो मुझे इसमें से ये माइनस कर देना चाहिए, तो 6,256,546 में से अगर मैं 5,465,665 माइनस कर दूं, है ना, अगर मैं ये वाला जो नंबर है 5,465,665 माइनस कर दूं तो जो मेरे पास ये नंबर आया 5,709,980, ये किसकी वैल्यू हो गई, या भाई वाई की। अब मेरे पास एक्स भी है, ये एक्स है, ये वाई है और जेड भी है, अब इन तीनों को प्लस कर देते हैं, 6,256,545 प्लस 5,709,980 ये वाई है, इसने एक्स प्लस वाई प्लस जेड पूछा ना, और जेड है 5,789,655, तीनों को प्लस कर दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1,775,6180। ठीक है, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं आपको प्लस करने आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है इफ x इज मल्टीप्लाई बाई
2495, द प्रोडक्ट इज 23546 मोर देन 1912024। वो मतलब प्रोडक्ट इतना नहीं है, ये इससे भी इतना ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट इतना है x की, जब मैंने 2495 में मल्टीप्लाई करी, x की जब मैंने 2495 में मल्टीप्लाई करी, तो जो आंसर है ना वो ये है, इससे ये, तो इनका टोटल कर लो, 6 और 4 10, 4 और 2 6 और 1 7, 5 3 और 1 4 19 और 2 21, ये है प्रोडक्ट। अब बताओ x किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके अगर कुछ आता हो तो उसी नंबर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड, 2495 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 21457 0 को। अब देखिए यहाँ सारे ऑप्शन 84, 86, 88 और 90, ठीक ये हैं, तो एक चीज तो तय है, यानी कम से कम 8 और कम से कम 9 बार चलेगा, तो 2495 की जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास आ गया 19,960, और जब 9 से करी तो आ गया 22,455, तो हम 8 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 19,960, तो 7 में 0 के 7, 15 में 6 के 9, और यहाँ बच गया 3, 3 में से 9 गया 4, 13 से 9 गया 4, 20 से 9 गया 1, ठीक है बच्चों, अभी आ गया। अब अगर मैं इसको 6 पे चलाऊं 2495 को, क्योंकि तीन ऑप्शन है 84, 86, 88, बीच वाले चला के देखा मैंने 86 पे, तो ये आ गया 14,970, तो 86 इज द करेक्ट आंसर, सही है। तो क्या आंसर हो गया मेरा 86। नेक्स्ट देखिए 86 आ गया। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू एक नंबर है, बी इज इक्वल टू वो नंबर है, सी इज इक्वल टू एक और नंबर है। अब बताइए 2 into A, 3 into B, 4 into C, मतलब वो कह रहा है कि अगर ए के जो नंबर है 3, 5, 8, 6, 2, 5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक। बी का कोई नंबर है 3, 5, 2, 6, 1, 2, 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देनी ताकि 3 भी निकल जाए, और सी का कोई नंबर है 2, 1, 4, 8, 1, 2, 2, 3, 5, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 1, 4, 8, 1, 2, 2, 3, 5, तो जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएंगे, ये आ जाएगा 2A, ये आ जाएगा 3B, ये आ जाएगा 4C, और फिर इन दोनों को, इन तीनों को ऐड कर देना है 2A + 3B + 4C, यही है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए बैकग्राउंड में, मैं बैकग्राउंड में सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमने मल्टीप्लाई कर ली और मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया, अब इनके बाद इन तीनों को प्लस कर देते हैं 2A + 3B + 4C, और इनको तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 94155 1753, ठीक है। तो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखिए डिवाइड 2629704 by 48 एंड फाइंड द रिमाइंडर, कह रहा है इसको 48 से डिवाइड करो, इस नंबर को 2629704, ठीक है, और हमें क्या करना है 24, और इसको रिमाइंडर बताना है। तो चलिए टेबल चला लीजिए, 55 से 250, तो 48 5 से 240, कैरी 22, उधार लिया 9, टेबल चल गया 4 बार, 192, बच गया 7, 337, उतार लिया 7, इस बार टेबल चल गया 7 बार, 57 जा 30, 350, 27 जा 14, तो 336, बच गया 41, उतार लिया 0, फिर से इस बार टेबल चल गया 8 बार,
400 और 8 to 16 तो 384, बच गया 26, कर लिया 2, 55 is 250, 48 is 240, 22 उतार लिया 4, फिर आ गया 4 टाइम, फिर से 4 बार झुका तो 192, और हमारे पास अब आंसर आ गया है 32, 32 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, सम ऑफ 4 नंबर्स इज इतना, इफ द 3 नंबर्स आर ये एंड ये, फाइंड द 4th नंबर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 हमने पढ़ा कि 4 नंबर का सम 2, 4, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 5, 4, 9, 8, 6 ये है, और जिसमें 3 नंबर ये और ये है, 4th नंबर बताना है। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इन 3 नंबर का टोटल कर लो, पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इनका टोटल कर लो, जो टोटल आ जाए, टोटल किसका 1 + 2 + 3 का जो टोटल आ जाए, इस टोटल को इस नंबर में से जो चारों का टोटल है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आसान तरीका है। और दूसरा तरीका एक और बता देता हूं मैं आपको, नया तरीका है आप लोगों के लिए, तो बहुत ध्यान से सुनना और फिर आप उसको तरीके को भी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। कि अगर कभी इस तरह क्वेश्चन हो कि 2 नंबर है उनका सम इतना है और 1 नंबर इतना है तो दूसरा क्या होगा, या फिर 4 नंबर जैसे सवाल है, 4 नंबर है उसमें से 3 का सम दे दे, 4th पूछ ले, 5 नंबर का सम दे दे और 4 नंबर दे के 5th पूछ ले, मतलब एक नंबर अगर मिस हो जो पूछा गया है, जैसे अगर 5 नंबर्स का सम दे रखा है और फिर उसमें से 4 नंबर दे रखे हैं, फिर कहे कि बताइए 5th नंबर कौन सा है, तो बहुत आसान है ये। एक तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले मैंने ये 3 नंबर लिख दिए जिनका मुझे टोटल करना था, जो जैसे पहला नंबर है हमारा ये वाला कि 5, 3, 2, 6, 5, 6 और ये 5 एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी ये वाला 5 हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है, इसको हम मिटो देते हैं, ये वाला 5 एक्स्ट्रा हो गया है। और दूसरा नंबर देखिए 6, 5, 6, 2, 3, 5 और दूसरा नंबर है 5, 7, 6, 4, 3, 5, 6, 8, 6, 5, 6 और तीसरा नंबर ये वाला 1, 2, 4, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 6, 2, 3, 5, 5, 0। अब देखिए, और इन इन इसमें से यहां पर कोई 4th नंबर आना है इस जगह पर, जो कि हमें नहीं पता, यहां ये जगह जो मैंने छोड़ी है 4th नंबर के लिए छोड़ी है, जो कि हमें तक भी नहीं दिया है, तो वो 4th नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो उस केस में हमें करना क्या है, हम इनका टोटल शुरू कर देंगे। देखिए 5 और 6 11, 11 + 0 11, अब हमें यहां 6 है तो 11 को अगर हमें 6 बनाना हो तो 11 से अगला 6 कब आता है, 12 पे 2 लास्ट में आता है, 13 पे 3, 14 पे 4, 15 पे 5 और 16 पे 6, तो 16 पे रहता है, तो 11 को 5, 4, 6, 11, 11 को 16 बनाने के लिए कितने ऐड करने पड़े, 5, तो यहां 5 लिख दीजिए, पर 16 है तो कैरी 1 होगा, आप कैरी 1 लिख दीजिए, मतलब मैं कर क्या रहा हूं, मैं टोटल इक्वल कर रहा हूं, ठीक है। देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 4 और 5 9, 9 और 5 14, 14 हम लिखते हैं 1 4, है ना, अब यहां है लेकिन लास्ट में 8, यहां क्या है लास्ट में 8, तो 14 से अगला, आपको हमेशा पिछला नहीं चेक करना, नेक्स्ट नंबर चेक करना है, 14 से वो नेक्स्ट नंबर जिसमें 8 आता हो, तो आपको सर वो नंबर तो 18 है जिसके लास्ट में 8 आता है, बिल्कुल सही बात है, तो 14 को 18 बनाने के लिए आपने कितने ऐड किए, 4 ऐड किए, तो यहां लिख दो 4, लेकिन 18 बनाया ना, जब आपने 18 बनाया तो कैरी 1 दिया होगा, तो यहां कैरी 1 लिख दीजिए,
वन और टू थ्री, थ्री और सिक्स नाइन, नाइन और फाइव फोर्टीन, फोर्टीन को बनाना है नाइनटीन, तो कैरी दे दीजिए फाइव, नाइनटीन का कैरी दे दीजिए फाइव, कैरी ओ सॉरी टू और थ्री, थ्री और सिक्स नाइन, नाइन फाइव फोर्टीन, फोर्टीन फाइव नाइनटीन, नाइनटीन का नाइन उतार लिया और वन कैरी, ठीक है। वन और सिक्स सेवन, सेवन और एट फिफ्टीन, फिफ्टीन और फाइव ट्वेंटी, अब ट्वेंटी है और यहाँ है फोर, ट्वेंटी से लास्ट में फोर कब आएगा, ट्वेंटी फोर पे, तो ट्वेंटी को ट्वेंटी फोर बनाने के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे, फोर, तो फोर यहाँ लिख दो और ट्वेंटी फोर का टू कैरी, टू और फाइव सेवन, सेवन और सिक्स थर्टीन, थर्टीन और थ्री सिक्सटीन, और यहाँ लेकिन फाइव है, सिक्सटीन से अगला फाइव कब आएगा, ट्वेंटी फाइव पे, तो ट्वेंटी फाइव के लिए हम लिख देंगे सिक्सटीन को ट्वेंटी फाइव बनाना है तो नाइन ऐड करने पड़ेंगे, अब बन गया हमारा ट्वेंटी फाइव, ये ट्वेंटी फाइव है, ट्वेंटी फाइव का कैरी टू, टू और फाइव सेवन, सेवन और फाइव ट्वेल्व, ट्वेल्व और टू फोर्टीन, फोर्टीन के, फोर्टीन के बाद थ्री वाला नंबर आएगा ट्वेंटी थ्री पे, तो फोर्टीन को ट्वेंटी थ्री बनाने के लिए हमें नाइन ऐड करनी पड़ेंगे, वो नाइन यहाँ लिख दिया और वो बन गया ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री का कैरी टू, सिक्स और टू एट, एट और थ्री इलेवन, इलेवन और सिक्स सेवनटीन, सेवनटीन और फाइव ट्वेंटी टू, कैरी टू, टू और फोर सिक्स, सिक्स और थ्री नाइन, नाइन के बाद सिक्स सिक्सटीन पे, तो नाइन और सेवन सिक्सटीन, कैरी वन, वन और सिक्स सेवन, सेवन और टू नाइन, नाइन और यहाँ एट है तो नाइन और नाइन एट्टीन, हमेशा ऐड ही होगा एट्टीन, कैरी वन, सेवन और वन एट, एट और फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व और यहाँ रहा सेवन, तो सेवनटीन, ट्वेल्व को सेवनटीन बनाने के लिए कितने ऐड करने हैं, फाइव, कैरी फिर सेवन, फाइव और वन सिक्स और वन सेवन, सेवन और टू नाइन, अब यहाँ तो कुछ नंबर बचा ही नहीं, यहाँ फोर बनाना है तो क्या ऐड कर दो, जो तो फोर और कोई कैरी तो गया नहीं फोर में, और ये टू, तो हमें ऐड करना है टू फोर, टू फाइव, नाइन सेवन, फाइव डबल नाइन, नाइन फोर, फाइव फोर फाइव, ऑप्शन ए देखिए, टू फोर, टू फाइव, नाइन सेवन, फाइव डबल नाइन, फोर फाइव फोर फाइव, चेक करें, टू फोर, टू फाइव, नाइन सेवन, फाइव डबल नाइन, फोर फाइव फोर फाइव, बिल्कुल मैच हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए और बी में फर्क क्या है, यहाँ टू जीरो है, यहाँ नेगेटिव है, ये नहीं होगा, और ये थ्री फोर है, ये भी नहीं होगा, तो क्योंकि टू फोर था, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 28 देखिए, देयर आर सिक्स, इसको अगर हम पढ़े, 69,86,465 ट्री इन ईच रो इन अ गार्डन, हर रो में, गार्डन में जितनी भी रो हैं, हर रो में इतने ट्रीज हैं, इफ नंबर ऑफ रोज इन द गार्डन इज 238, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन, कह रहा है एक गार्डन है जिसमें 238 रो हैं और हर रो में इतने ट्री हैं, मेरे पास पांच बॉक्स हैं, फाइव बॉक्स हैं और हर बॉक्स में थ्री पेंसिल्स हैं, फाइव बॉक्स हैं और हर बॉक्स में थ्री पेंसिल्स हैं, बताइए जल्दी, फाइव बॉक्स हैं और हर बॉक्स में थ्री पेंसिल हैं, तो कितनी पेंसिल है मेरे पास, आपको सर 15, तो मैं कहूँगा मल्टीप्लाई कर दो, 15 पेंसिल निकल जाएंगी, तो बच्चों सेम यहाँ पे है, मेरे पास 238 रोज हैं और यहाँ पे 69,86,465 ट्रीज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन कितने होंगे, तो लेट्स चेक, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको मिटो दें, चलिए हमारा है 69,86,465 और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 238 से, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 40, कैरी 4, तो मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे आप लोग, 8 5 40, कैरी 4, 8 6 48 और 48 और 4 52, कैरी 5, 8 4 32, 32 और 5 37, कैरी 3, 8 6 48 और 3 51, कैरी 5,
64 और 9 69 8 9 17 78 8 6 जा 48 और 7 55 ठीक है, फिर मल्टीप्लाई इस तरह से आपको करते जाना है ठीक है। 3 5 जा 15 3 6 जा 18 1 19 3 4 जा 12 और 1 13 3 6 जा 18 और 1 19 3 8 जा 24 25 29 20 दो बार क्रॉस लगा दीजिए। 2 5 जा 10 ठीक है, अब इनको आप टोटल कर लीजिए। 0 5 4 2 7 7 8 9 16 3 और 1 4 और 3 7 3 और 1 4 और 3 7 7 और 1 8 27 22 कैरी 2 2 और 5 7 7 और 9 16 मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था बेसिकली, वो मेरी मल्टीप्लाई भी चेक कर रहा है, आपकी भी चेक कर रहा है, और तो कुछ नहीं कर रहा, वो कैलकुलेशन चेक कर रहा है। चैप्टर का नाम ही है ऑपरेशन ऑन नंबर्स, दैट्स व्हाई नेम गिवन, क्योंकि वो कैलकुलेशन चेक कर रहा है। देखिए x इज इक्वल टू ये नंबर, y इज इक्वल टू ये नंबर, z इज इक्वल टू ये नंबर। अब क्या रहा है कि 5a जो है वो 2x प्लस 5a जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, x प्लस y प्लस z करके उसके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू बताइए, x y z, x y z दिया इसने, पर इसने कहा कि जो 5a है वो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। अब बताओ ए कितना है, तो अगर हम x की वैल्यू निकाल लें बच्चों, लेट्स ट्राई, सॉरी अगर हम पहले x प्लस वाई प्लस जेड ही निकाल लेते हैं, चलिए x प्लस वाई प्लस जेड ये निकाल लेते हैं। x है मेरा 5 7 9 4 4 5 4, ये x है 5 7 9 4 4 5 4, y है मेरा 1, हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखा कीजिए, जो नीचे वाला नंबर है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखा कीजिए, 1 4 9, प्रैक्टिस करना इसकी ठीक है, 8 8 7 6, और थर्ड नंबर है 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 ठीक है, ये नंबर हमारे हो गए। इसमें अगर हम x प्लस, और इसमें करना क्या है, उसने कहा 2x प्लस yz ये है, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम प्लस कर देते हैं, तो चलिए इनका अगर हम प्लस करें तो 4 और 1 5, 5 और 5 10 कैरी 1, 5 और 1 6 और 5 11 और 4 15 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19 कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 8 17 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23 कैरी 2, 7 और 2 9 और 7 16, 16 और 4 20 कैरी 2, 2 और 5 7, 7 और 6 13 और 4 17 कैरी 1, 5 और 1 6, ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 670 37950 की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, तो कर लीजिए 200 2 5 जा 10 2 9 जा 18 और 1 19 ठीक है। और या फिर आप ऐसे समझिए बच्चों, हमारे पास अब कुछ इस तरह क्वेश्चन बन गया, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और सिखा रहा हूं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे। चलो अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई जेड, ये क्वेश्चन था हमारे पास ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं
ए इज इक्वल टू, ये फाइव यहाँ मल्टीप्लाई में ना यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, टू डिवाइड बाई फाइव और मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है ये हमने निकाल ली, ए इज इक्वल टू 6703750। ठीक, यहाँ और भाई टू से मल्टीप्लाई और फाइव से डिवाइड, ये है क्वेश्चन हमारे पास। अगर मैं अप एंड डाउन फ्रैक्शन का, मैंने हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन में जो अगर हम ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क ना पड़ता, तो नीचे कितना हो गया 5 टू जा 10, ऊपर कितना हो गया 2 टू जा 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 10, ये नंबर जो था 6703750। अब 0 से 0 कट गई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ये भी एक वे आउट हो सकता है मतलब, ठीक है, आपका डिवाइड का चक्कर बच जाएगा। यहाँ पे अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारे पास रह जाएगा 5a इज इक्वल टू ये जो नंबर आ जाएगा, फिर इसको जब आप 5 से डिवाइड करोगे तब आंसर आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 5 20 कैरी 2, 4 9 36 और 2 38 कैरी 3, 4 7 28 और 3 31 कैरी 3, 4 3 12 और 3 15 और 4 7 28 और 4 6 24 26, 2 6 8 1 5 1 8 0, 2 6 8 1 5 1 8 0, 2 6 8 1 5 1 8 0 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 35,470 सोप केक्स एंड 25,037 बोटल्स एवरी ईयर। 35,470 सोप केक्स एंड 25,037 बोटल्स एवरी ईयर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन अ ईयर। टोटल कितना उसने मैन्युफैक्चर किया, तो देखिए 35,000 एक किया, 25,000 एक किया, 60,000 तो मोटा मोटा यही हो गया, ठीक है, और 470, पहले 60,000 वाला ऑप्शन देख लो, ये 67,000 है, ये है 60,000 वाला, एक ऑप्शन तो ये हो सकता है, ठीक, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, तो बी इज द करेक्ट आंसर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 35,000 और 25,000 60,000 हो गए, और यहां देखो ना 470 और ये 37, तो ये तो 507 ही होंगे, 470 प्लस 30 500 और 7 507। अब देखो, एन ऑयल वेल प्रोड्यूसेस 834 लीटर ऑफ ऑयल इन द फर्स्ट ईयर, एक ऑयल वेल ने 834 लीटर ऑयल बनाया फर्स्ट ईयर में एंड 756 इन द सेकेंड ईयर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ऑयल डिड द वेल प्रोड्यूस इन द टू ईयर्स। देखो इसका सम करना है, इसके भी दो तरीके हैं हमारे पास, एक तरीका तो वही है जो हमारा नॉर्मल वाला है, और दूसरा इनको अलग अलग खोल लो, 800 प्लस 34, 834 प्लस 700 प्लस 56। अब देखो 800 और 700 कितने हो गए, 1500, 34 और 56, देखो 30 और 50, अब 34 और 50 को भी आप ऐसे कर सकते हो ना, 30 और 4 50 और 6, 50 और 30 कितने हो गए 80, 4 और 6 कितने हो गए 10, 80 और 10 कितने हो गए 90, तो 1590। ओरल टोटल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32, द मेल पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इज 27,986, द फीमेल पॉपुलेशन इज 7,389 लेस देन द मेल पॉपुलेशन। फीमेल कितनी है जो मेल से 7,389 लेस है। अब देखो ये 27,000 समथिंग है और ये 7,000 समथिंग लेस है, तो 7,000 अगर हम मोटा मोटा माइनस कर दें 27,000 में, 7,000 लेस कर दें, तो 27 में 7 के 20, 20 वाला कोई आंसर होगा है ना, या 19 या 21 उसके आसपास का आंसर होगा, मतलब 20 अगर ज्यादा भी माइनस हो गया होगा तो 19 में चला जाएगा, लेकिन 23 तो नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा बी 20,597, 20,000 वाला आंसर लगा दिया हमने। अब देखो, अ फैक्ट्री कॉस्ट 15 लाख, अ मैन बाइस, ए मैन हैज 8 लाख विद हिम, फैक्ट्री 15 लाख की है, हमारे पास 8 लाख है, 7 लाख तो और चाहिए, हाउ मच मोर मनी डज ही रिक्वायर टू बाय द फैक्ट्री, कितने रुपए और चाहिए 7 लाख। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 17 विलेजेस इन अ स्टेट, एक स्टेट में 17 विलेजेस हैं, ईच विलेज हैज अ पॉपुलेशन ऑफ, विलेज कितने हैं 17,
और हर विलेज में कितने हैं, 26,564 लोग हैं। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो 17 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 4 68, लास्ट में 8 आएगा। ये वाला ऑप्शन 8 में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 8 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक, आपको वैसे नन ऑफ दीज भी तो है, ओलंपियाड के क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज बहुत रेयर आता है। 35 देखिए, रीजनिंग में मिल जाता है, मैथ में नहीं मिलता। 35 देखिए, अ कंपनी एम्प्लॉयज 19 पीपल, अ कंपनी के अंदर 19 लोग हैं, ईच पर्सन इज पेड ₹77,642 एज सैलरी इन अ ईयर, हर पर्सन को 77,642 सैलरी दी जाती है हर साल। What is the total salary paid in the year? अब देखो 19 to the 38, last में 8, B में 8 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ 2 है, ये हो गया 8 वाला ऑप्शन, क्योंकि वो कह रहे हैं 19 लोग हैं, पर पर्सन को 77,642 दी जाती है, तो 19 to the 38, अगर लास्ट में 8 है, अगर और ज्यादा ऑप्शन होते तो पूरी मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ और ऑप्शन हमें मिले नहीं, तो हमने पूरी मल्टीप्लाई करने के लिए हमें मेहनत उठाने की जरूरत नहीं है। सही, अब देखो, एन ऑयल वेल प्रोड्यूसेस 680 लीटर्स ऑफ ऑयल एवरी आवर, हर घंटे, हाउ मच ऑयल इज प्रोड्यूस्ड इन 15 डेज। देखिए वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, तो 15 डेज में कितने होंगे, बिल्कुल सही, 24 into 15, तो 360 आवर्स। ठीक है, अब देखिए, तो 680 लीटर निकलता है वन आवर में, तो 360 आवर्स में कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, देखो दो जीरो तो ये एक्स्ट्रा आ गई जो मल्टीप्लाई होंगी। अब 36 8 चलाओ, 36 2 72 72 2 144 144 2 288, तो 288 यहां आ जाएगा 8, तो लास्ट में आएगा 800, तो 800 वाला ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये बी, बी इज द करेक्ट आंसर। पूरी मल्टीप्लाई करना चाहो कर दो, नहीं तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, देर आर 144 बॉक्सेस कंटेनिंग 48 बैटरी ईच, एक बॉक्स में 48 बैटरी हैं, एक बॉक्स में 48 बैटरी हैं, और ऐसे ऐसे 144 बॉक्स हैं, इफ ईच बैटरी वेज 632 ग्राम, फाइंड द टोटल वेट ऑफ द बैटरी, बैटरियों का वेट बताओ। देखो 144 बॉक्स हैं और एक बॉक्स के अंदर 48 बैटरीज हैं, और ये इतनी बैटरी हैं। अगर बच्चों मैं ये कर दूं कि अगर हम, और ऐसे ऐसे 632 ग्राम वाली वो है बैटरी, ठीक है, आपको करना क्या है, देखो इनके सारे के सारे यूनिट डिजिट अलग है, सबके सबके यूनिट डिजिट क्या है, डिफरेंट है, तो बहुत ही इजी तरीका है, आप इनके सिर्फ यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 16 16 4 64, लास्ट में आएगा 4, पर 4 वाले दो ऑप्शन है, ये भी बड़ा चंट है, तो अब हमें ये लगा सकते हैं, अब नहीं लगा सकते हैं, अब हमारा वो जो यूनिट वाला फॉर्मूला था वो हो गया फेल, अब हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, वो सिर्फ यूनिट डिजिट तक चलता है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करना शुरू करो, आप कहोगे 64 आ गया सर, 64 लगा देना, पता ही ना लगा देगा बिल्कुल भी, ऐसी गलती मत कर देना, फिर सॉल्व करना। अब देखो मल्टीप्लाई हमें सॉल्व करनी है, तो 144 जो है वो 12 into 12 होता है, और 48 होता है 12 into 4, हमने उनको खोल लिया और ये हो गया into 632, तो चलिए और कोई इजी तरीका, 632 की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, या 632 को भी हम खोल लें, और खोल लें, इसको 12 से डिवाइड करके देखें, 12 5 60, नहीं 12 से तो नहीं डिवाइड होता ही, मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम इसको और ब्रेक कर लें ताकि मल्टीप्लाई करनी हमें थोड़ी आसान हो जाए। तो अब ये 632 है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इनका एक ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है, और फिर 12 12 का टेबल पढ़ेंगे,
तो 632 टू जा 1264 और फिर 1206 डबल। देखो 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 2 into 2, तो 632 भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 to 12, 32 to 64, 1264 और 64 to 128 और 12 to 24, 24, 25, 28 तो यहां आ गया 25, 28 ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर 12 से, उसकी फिर जो आंसर आएगा उसकी 12 से, और जो आंसर आएगा उसकी फिर 12 से, तो आप कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 25 into 12, 2528 multiplied by 12, तो 12 8 96, कैरी 9, 12 2 24, 24 9 33 और 33 कैरी 3, 12 5 60, 60 और 363 कैरी 6, 12 2 24, 24 और 6 30, तो इसकी जब इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दी 2528 से, तो यहां तक का मेरा जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया 30336। अब मैंने फिर इस वाले 12 की मल्टीप्लाई करी, इस में 12 का टेबल पढ़ो, सीधा 12 का टेबल पढ़ो राइट से, ठीक है। तो जब मैंने 12 की टेबल मल्टीप्लाई इसमें करी, 12 6 72, 12 3 36, 36 और 740 कैरी 4, 12 3 36 और 440, 44 आ गया, 12 3 36, तो ये इसकी जब मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास सॉल्व हो क्या गया 364032, है ना। अब मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 12 2 24 कैरी 2, 12 3 36 36 और 238, अब देखो 84 आ गया, तो लास्ट में 84 आएगा, सही है पी। अब देखो यहां पे पूरा सॉल्व करना पड़ा ना अपना, तो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि अगर जब डिजिट सिर्फ यूनिट डिजिट अगर मैच ना हो तो लास्ट के 2 डिजिट के लिए आपको सॉल्व करना भी पड़ सकता है, सही है। वैसे इसका एक तरीका और भी हो सकता था, देखें ट्राई करके एक और तरीका, चलो देख ही लेते हैं जब बैठेंगे तो। देखो इसका एक तरीका हमें मतलब कुल मिलाकर मल्टीप्लाई करनी है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, है ना, मल्टीप्लाई करनी है, और सबसे बड़ा गेम इसे मल्टीप्लाई का ही है, 144 इंटू 48 और इंटू 632, ये कुल मिला के 3 नंबर है, ठीक। अभी हमने देखा कि 144 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 इंटू 12 और 48 होता है 12 इंटू 4, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, ये 12 की क्यूब बन गई, ये बन गया 1728 और 632 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 632 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 को हमने लिख दिया 2 into 2, 632 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करी, तो 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 1 2 6 4, अब इससे 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 4 8, 2 6 12, 2 और ये 2 5 2 8, हमारे पास आ गया 2 5 2 8, मल्टीप्लाई करनी है ऐसे करके देखें, चलिए शुरू करते हैं, 8 8 64 कैरी 6, 8 2 16, 16 और 6 22 कैरी 2, सिर्फ 2 डिजिट तक सॉल्व करो, है ना। अब पूरा सॉल्व हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ क्रॉस लग जाएगा, 2 8 16 कैरी 1, चलो बस। अब यहां पे भी क्रॉस आएगा, 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 तो 4 और 6 8, 84, तो लास्ट में 84 आएगा, तो ये भी एक तरीका था, सही है, इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते थे, बल्कि ये तरीका ज्यादा बेटर है, तो 84। तो सोचना है बच्चों, सोचना मतलब आइडिया निकालना है, पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पूरी मल्टीप्लाई करोगे बहुत टाइम जाएगा, या फिर प्रैक्टिस बहुत रखो, दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है, वो प्रैक्टिस होने में भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 38, अ फाइनेंस कंपनी सोल्ड शेयर्स वर्थ ₹9,540, इफ ईच शेयर कॉस्ट ₹45, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड। मान के चलिए मेरे, वो कह रहा है कि मैंने जो शेयर बेचे उनसे मिले मुझे 9,540, और अगर एक शेयर था 45 का, तो बताइए टोटल कितने शेयर मैंने बेचे। कुल मिला के आप ऐसे समझिए, मैं कुरकुरे का पैकेट बेचता हूँ, एक कुरकुरे का पैकेट 10 रुपए का है,
और मैंने 60 रुपए के बेच दिए, तो कितने कुरकुरे के पैकेट बेचे बताइए। मैं कुरकुरे के पैकेट बेचता हूं, एक कुरकुरे का पैकेट 10 रुपए का है और मैंने 70 रुपीज के बेच दिए, कितने के बेच दिए इस बार 70 के बेचे, 10 रुपए का एक है 70 के बेचे, या 10 रुपए का एक था और मैं 70 के लिए आया, तो कितने आएंगे सर 7। कैसे निकाला आपने, तो 70 और 10 का रिलेशन चेक करो, 70 और 10 के किस रिलेशन से, प्लस से माइनस से डिवाइड से मल्टीप्लाई से 7 आ सकता है, तो 70 और 10 तो 80, 70 में से 10 गया 60, 70 मल्टीप्लाई बाय 10 700, तो 70 डिवाइड बाय 10 इज 7, नंबर निकल गए ना। तो ऐसे ही हम इस नंबर को 9540 को 45 से डिवाइड कर देंगे, तो 45 टू द 90 बच गया 5, 45 वन द 45 बच गया 9, उतारा 0, 45 टू द 90 तो 212। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, देर आर 30,145 टीचर वर्किंग इन द महाराष्ट्र, 1,000 इन अपर प्राइमरी स्कूल, 935 इन सेकेंडरी स्कूल, 5,622 टीचर इन हायर सेकेंडरी स्कूल इन द सेम स्टेट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्कूल टीचर इन द स्टेट। टोटल करना है तो सिंपल है, यूनियन डिजिट का टोटल कर लीजिए पहले, 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, लास्ट में 1 आएगा, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, तो ये आ जाएगा आंसर 37751। नेक्स्ट देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इन द ईयर 1991 वाज 65,698, इट इंक्रीज टू, देखो इट इंक्रीज टू, बच्चों दो वर्ड हो सकते हैं, एक हो सकता है टू, एक इंक्रीज बाय, इंक्रीज टू का मतलब होता है कि अब वो इतनी हो गई, सही है, पहले दिल्ली की पॉपुलेशन 65,698 थी और अगर इंक्रीज टू लिखा है, इंक्रीज टू 560,729, मतलब अब वो इतनी हो गई है, ठीक है, अब वो इतनी है, प्रेजेंट इतनी है, ठीक, और अगर इंक्रीज्ड बाय लिखा हो या टू की जगह बाय लिखा होता तो प्रेजेंट इतनी नहीं है, इतनी ओवर ऐड हो गई, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। फाइंड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इन 2001 ओवर द ईयर 1991। अब 2001 में कितनी हो गई थी, 560,729, अब कह रहा है बताइए कितना इंक्रीज हुआ, तो 560,729 में 65,698 पहले थी, इतना इंक्रीज होगा माइनस कर दो, तो 9 में से 8 गया 1, एक ही ऑप्शन है 1 वाला सी, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये चैप्टर था ओलंपियाड का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, इसको एक बार करके देखिए, काफी इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बार 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 इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, हर 7 डेज पे, हर 10 डेज पे इस चैप्टर की बार बार ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा बेझिझक, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।